अरे अरे बेटा कहाँ जा रहे हो इधर? मैं अपने घर जा रही हूँ, आपको मुझसे क्या मतलब? अरे बेटा पैदल कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ चलो बाइक पे। मैं तो आपको जानती नहीं, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? अरे देखो बेटा आपने कितना भारी बैग ले रखा है, आप थक जाओगे, आपका घर पता नहीं कितनी दूर हो। आप एक काम करो हमारे साथ में बाइक पे चलो, हम आपको घर छोड़ देंगे। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, मेरी मम्मा ने मना कर रखा है किसी अनजान के संग जाने के लिए और बोलने के लिए। बेटा हमारे साथ चलो, हम तुम्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दिलवाएंगे, चलो हमारे साथ। मुझे नहीं खानी आपकी चॉकलेट, अपनी चॉकलेट अपने पास रखो। अरे बेटा चलो हमारे साथ में, आपकी मम्मा नहीं हमें मिल जाए। और हाँ बेटा आपकी मम्मा की ना बहुत तबीयत खराब है। मेरी मम्मा ठीक तो है ना? अरे बेटा आपकी मम्मी आपको लेने आ रही थी, वो क्या हुआ रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी मम्मी ठीक तो है ना? देखो बेटा आपकी मम्मी की ना बहुत तबीयत खराब है, चलो हमारे साथ। अब देख लो बेटा आपको हमारे साथ में चलना है कि नहीं चलना, वो आपकी मर्जी, चलो। एक सेकंड रुको भैया, मैं आपके साथ चलूंगी। चलो फिर बैठो बेटा। मम्मी ने इनको भेजा है तो वो कोड भी बताया होगा। भैया मम्मी ने आपको भेजा तो एक कोड भी बताया होगा। बेटा वो कैसे कोड बता दी, उनके तो बहुत चोट लगी है, खून भी निकल रहा है। चलो चलो आओ बैठो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिनके पागल बना रहे हैं। मार दिया यार इसने, पकड़ो इसे। तो रुको आगे पुलिस वाले खड़े हैं, फंस जाएंगे। लड़की थी यार, चलो और कोई बच्चा देखेंगे। अरे बेटा कशिश, मैंने तुम्हें बोला था ना कि स्कूल के अंदर रहा करो, जब तुम्हारी मम्मा लेने आए तभी बाहर आओ। पापा मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा घर पास नहीं है मैं ही चलूं। ये बेटा तुमने गलत किया ना, मुझे तुम्हारी मम्मा का कॉल आया था कि तुम स्कूल में नहीं हो, जब मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। लेकिन पापा मम्मा कैसे कॉल कर सकती है, उनका तो एक्सीडेंट हो गया है। ये तुम्हें किसने बोला बेटा? वहाँ पर दो अंकल आए थे, उनने मुझे बताया। दो अंकल? लेकिन बेटा तुम्हारी मम्मा तो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है वो झूठ बोल रहे थे, मुझे वो किडनैप करने आए थे। किडनैप करने आए थे? फिर बेटा तुम कैसे बची? मैंने उनसे कोड पूछा तो उनने नहीं बताया, मैं उनमें पैन मार के भाग आई। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन बेटा कभी भी स्कूल से बाहर नहीं आना है जब तक तुम्हारी मम्मा ना आए। और हाँ बेटा मैंने तुम्हें एक कोड बता रखा है ना, अगर हम किसी को तुम्हें लेने के लिए भेजते हैं तो ये कोड उसे भी पता होगी जब तुम्हें उसके साथ आना है। तो देखा दोस्तों आज इस बच्ची ने अपने आप को किडनैप होने से कैसे बचाया। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ट्यूशन भेज देते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं रखते, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाएं जिससे कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें, जैसे कि मैंने अपनी बेटी को एक कोड बताया है, अगर हम किसी को भेजते हैं इसे लेने के लिए तो ये कोड उसे ही पता होगी। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि आजकल बच्चे किडनैपिंग के कितने केसेस आ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सब बच्चों के पेरेंट्स के पास ये संकेत जा सके। और हाँ दोस्तों अपने भी बच्चों को एक ऐसा कोड बताएं जिससे कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। चलो बेटा।